वाराणसी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन आपको कत्ल मर्डर के जैसे अपराध के बारे में सुनने को मिलता रहता है। ऐसे ही एक खबर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां बदमाशों ने उस शख्स को लक्ष्य बनाया है जिनके कंधों पर प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का घरौंदा बनाने वाले कंपनी के डायरेक्टर राम गोपाल सिंह के ऊपर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस संबंध में राम गोपाल सिंह ने वाराणसी के शाहनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल राम गोपाल सिंह ने बलवंत सिंह मर्डर केस के मुख्य गवाह हैं। इस घटना पर बात करते हुए राम गोपाल सिंह ने बताया कि बलवंत सिंह की हत्या के आरोपी पंकज सिंह के इशारे पर बदमाशों ने उन पर हमला करवाया है और इस संबंध में राम गोपाल सिंह ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। मेरी कंपनी जो बनारस में प्रधानमंत्री आवास बना रही है, मुख्यमंत्री आवास परियोजना कर रही है, लखनऊ में एक बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम बनारस के बड़े बिल्डरों में माने जाते हैं। बनारस में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एयरपोर्ट रोड पे हमारा चल रहा है। 20 अक्टूबर को पंकज चौबे द्वारा जो है हमारे कंपनी के पार्टनर बलवंत सिंह की हत्या कर दी गई। बलवंत सिंह की हत्या के बाद हम लोगों को धमकियाँ मिल रही थी। 6 तारीख को पंकज चौबे चूँकि एक पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उनके लोग बच्चा यादव, प्रिंस यादव, ये लोग मेरे घर आए, आकर के बाहर से गाली दिए, धमकी दिए कि जान से मार डालेंगे और आप लोग जो है इसमें गवाही न करिए, अगर गवाही करते हो कुछ भी करते हो तो तुम लोग बचोगे नहीं, तुमको या तुम्हारे जो परिवार को या जो वादी है, वादी चूँकि बलवंत जी हमारे भाई जैसे थे, उनका बेटा है, हम उसमें गवाह हैं, हमारे दो राइटर गवाह हैं, तो हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम प्रशासन से अपने सुरक्षा की गुहार लगाए हैं, SFP साहब को संज्ञान में दिए हुए हैं, सारनाथ थाने को हमने FIR की हुई है कि भाई मेरी सुरक्षा, मुझे सुरक्षा दी जाए जिससे हम जो है प्रधानमंत्री आवास, एक बड़ी परियोजना जो प्रदेश में केवल 6 बिल्डर कर रहे हैं उसमें एक हम हैं, उस परियोजना को रोकने के लिए लोगों की पूरी ताकत लगाई जा रही है। जितने विरोधी हैं, जो गैर भाजपाई लोग हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह ये परियोजना रुक जाए और ये बन ना पावे। पंकज चौबे अपने मंशा में कामयाब होने के लिए जेल प्रशासन को अपनी तरफ से मैनेज किए हुए हैं। हमारे विरोधी लोग जो है पंकज चौबे को सह दे रहे हैं, जेल प्रशासन पंकज चौबे को पूरा सहयोग कर रहा है, उनको रुपए से, पैसे से, मोबाइल से, जैसे भी हो रहा है, यहाँ तक कि जेल प्रशासन के सिपाही, डिप्टी जेलर पंकज चौबे के संदेश को हमारे कॉन्ट्रैक्टर, फार्मर, सप्लायर इन लोगों के यहाँ पहुँचा रहे हैं कि आप लोग ये काम मत करो, इस परियोजना को छोड़ दो, अगर करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, अगर इसके बाद भी नहीं मानते हो तो तुम्हारा भी अंजाम बुरा होगा, गोपाल सिंह के साथ तुम लोगों को भी देख लिया जाएगा। तो हम यही चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि हम लोगों को सुरक्षा मुहैया की कराई जाए, हमारे जो भतीजे हैं जो इसमें मुख्यवादी हैं उनको सुरक्षा दिया जाए, और प्रधानमंत्री आवास परियोजना बनाने के लिए मुझे दिल्ली, लखनऊ, हर जगह जाना होता है, चूँकि बहुत कम समय में प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इसको जल्दी से जल्दी दिया जाए। मेरे पास मात्र 12 महीने का समय है, 12 महीने में इस परियोजना को बनाना है, जिसके लिए मुझे हर जगह आना जाना होगा। अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिलती है तो किसी भी समय मेरी हत्या हो सकती है। मैंने इसकी कंप्लेंट सारनाथ थाने में की है, SSP महोदय से हम लोग मिले हैं, SSP महोदय ने आश्वासन दिया है कि भाई आपको सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई चीज़ नहीं हुई है। हम मुख्यमंत्री जी से लेकर के SSP महोदय तक, जितने भी बड़े अधिकारी हैं यहाँ से लखनऊ तक, सबको एप्लीकेशन दे चुके हैं कि अगर हमें सुरक्षा नहीं भी मिलती है तो मेरी हत्या हो जाएगी, अगर हम लोग सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास रुक जाएगा, और रोकने की पूरी साजिश विरोधी कर रहे हैं, और पंकज चौबे को अगर बनारस से नहीं हटाया गया तो हम लोग जो है यहाँ पे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस परियोजना को डिस्टर्ब किया जा सकता है। पंकज चौबे को जेल प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था दी गई है, यहाँ तक कि डिप्टी जेलर, जेल के सिपाही, उनकी सारी चीज़ें मार्केट में पहुँचा रहे हैं, हमारे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और काम करने वाले लोगों को रोक रहे हैं, गवाही से रोकने के लिए और कंपनी को बर्बाद करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेन उनका है पंकज चौबे की फेसबुक ID, आप लोग देख सकते हैं कि हमने उनको लखनऊ भेजा था प्रधानमंत्री आवास की पैरवी करने के लिए, फंड रिलीज कराने के लिए, और वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ खुद धरने बैठ गए, इसलिए उनको प्रधानमंत्री आवास से हटा दिया गया। वो कंपनी से खुन्नस खाए हुए थे, बार बार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो है वो अपने फेसबुक पे हमेशा वो सब करते रहते हैं, फेसबुक ID पे बेते ये सब करते हैं, जहाँ कि हम लोग मार्केट में कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा कर रहे हैं,
608 यूनिट बना रहे हैं, 2-4 हज़ार यूनिट बनाने के लिए भी हमने वहाँ पे आग्रह किया है कि मैं प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है प्रधानमंत्री आवास का मैं पूरा कर दूंगा। देखिए उसमें FIR दर्ज किया गया है और FIR दर्ज करने के बाद जो लोग उसमें शामिल थे उनको चिन्हित किया गया है और उनके ऊपर दबिश दी जा रही है। अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्दी उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कल ही मेरे पास उनका पत्र आया है जिसमें हम उसकी जांच कर रहे हैं और जो भी उचित होगा वो हम उनके लिए करेंगे। और जो भी हमारा मेन प्राथमिकता ये है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है तो हम उसको अरेस्ट करें और जो भी उसके पीछे का जो भी लोग शामिल हैं उसको हम पकड़ करके उसको हम आगे की कार्रवाई कर पाए। देखिए अभी इस तरीके का कोई आरोप जो है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, अभी इसकी जाँच चल रही है, जाँच में जो भी आएगा उसके आगे ही कोई भी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी।